मैसेज क्या करूँ। आप देखें दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर आपने नहीं जाना। ओके चलते हैं दोस्तों, वाई पोलैंड इज डिमांडिंग 25,000 इंडियन डॉक्टर्स। चलिए देखते हैं इस पर पक्ष ने क्या कहते हैं और हमारी कितनी औकात है, वीडियो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं मालूक, तो आज जो वीडियो लेकर आया हूँ वो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का और इसका टाइटल है वॉच हाउ पीएम मोदी प्रमोट इंडिया ग्लोबली मोदीज पोलैंड विजिट। अच्छा जी, तो जी हाँ, पीएम मोदी हमारे पोलैंड के विजिट पर हैं और पोलैंड से हमारा नाता जो है ना वो सैकड़ों साल पुराना है। जामनगर के गुजरात में जो जामनगर है वहाँ के शायद राजा हुआ करते थे, तो जब पोलैंड में अटैक हुआ कुछ हुआ वहाँ से लोग भागे तो पोलैंड के लोगों को हमारे यहाँ रिफ्यूज़ दिया जामनगर के राजा ने, शायद जामनगर के ही राजा थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो पोलैंड के लोग इस बात को बड़ा मानते हैं कि भाई भारत में हमें जगह दी गई और भारत ने हमारा ख्याल रखा, वहाँ पर हमारे साथ भेदभाव नहीं किया गया, तो ये पोलैंड वाले बहुत याद रखते हैं। तो पोलैंड का नाता भारत से बहुत पुराना है। तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान के लोग जो हैं इस पर क्या कहते हैं। पाकिस्तान के जब कोई भी लीडर, प्राइम मिनिस्टर हो, कोई फॉरेन मिनिस्टर हो, बाहर की कंट्री में जाता है, क्या रिस्पेक्ट दी जाती है? साथ ही ये भी नेबर कंट्री इंडिया है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पोलैंड गए हैं, उन्हें प्रॉपर प्रोटोकॉल दिया गया है, बड़ी रिस्पेक्ट दी गई है और ये कहा गया कि यूक्रेन रशिया की जो वार है अगर कोई रुकवा सकता है तो वो ये रुकवा सकते हैं, क्या फर्क देखते हैं? लेकिन मैं आपसे जवाब सुन लें, इसके पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा। अब रिस्पेक्ट की आपने बात कही है, अभी जर्मनी की मंत्री मिनिस्टर है शायद कोई, वो आई हुई थी, फॉरेन मिनिस्टर है शायद, वो पाकिस्तान गई थी और उनकी मीटिंग थी शहबाज शरीफ से जो आपके पीएम हैं, और वहां पर उनके साथ गार्ड ने बदतमीजी कर दी। गार्ड ने कहा कि ये तो आपको आपका बैग जो है ये पर्स वो भी चेक करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। अब उन्होंने पहले समझाना चाहा लेकिन फिर वो नहीं समझे तो मुड़ के वापस जाने लगी, अपनी कार की तरफ बढ़ने लगी। भाई बेइज्जती हुई उनकी, इतनी बड़ी फॉरेन मिनिस्टर थी शायद वो, इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं और वो स्टेट विजिट पर हैं, कोई गली मोहल्ले का कोई नहीं है कि जिसकी ऐसी पर्स भी आप चेक करोगे यहाँ पर आकर। फिर सुरक्षा वाले को, पाकिस्तानी गार्ड को लगा, अरे यार गड़बड़ हो गई, नौकरी चली जाएगी। फिर बोला नहीं नहीं मैडम थैंक यू, कोई बात नहीं, जाइए जाइए जाइए, ये बवाल हुआ है आपके यहाँ। इससे पूरी दुनिया में क्या मैसेज किया? क्या आपने सही इज्जत दी उनको? अब जब पाकिस्तान से कोई जाएगा जर्मनी तो उसके साथ किस तरह का सलूक होगा? तो आप लोग जब इज्जत नहीं देते हो दूसरे को और सामने वाले से सोचते हो कि सामने वाला भी आपको इज्जत देगा, यही तो पाकिस्तानियों की गलती है। हम इज्जत नहीं देंगे, हम अपने मन से काम करेंगे, हम जैसा तुमको ट्रीट करेंगे, लेकिन हम जब जाएं तो हमारे साथ बेहतरीन ट्रीटमेंट होनी चाहिए, वरना हम कहेंगे कि तुम तो इस्लामोफोबिक हो, तुम पाकिस्तान से जलते हो। ये है, लेकिन पाकिस्तानियों को शर्म नहीं आती इस सब मामले। लेकिन मैं आपसे करूं कि देखिए, ये हर साल लीडर सारे बाहर जाते हैं ना, हमारे बारह लीडर पाकिस्तान के जी, आज तक उन्होंने कुछ लिसन नहीं किया, जाकर लर्न नहीं किया कि हम यहाँ से लर्न करके पाकिस्तान में को लेके जाए। इधर सड़क के ऊपर आप देखे ज्यादा क्रॉसिंग बना हुआ, वहाँ ज्यादा बना हुआ, कुत्ता भी अगर पाँव रखे ना तो वो कोई बता गाड़ी नहीं चल सकती। ठीक है, बिलीव अपने। और हमारे इधर, हमारे इधर माई मर जाए सारा दिन, बुलाऊदा ही कोई, मुझे ये बताएं कि 40 साल आपने वहाँ पे क्या चीजें ऑब्जर्व की? मैं मतलब जब पाकिस्तानी वहाँ पे जाते हैं तो क्या ट्रीटमेंट होता है? आपको पाकिस्तान से कंपेयर करके बता दूं जी, पाकिस्तान और इंडिया से कंपेयर। हमारा लीडर, आप ये समझ लें कि मैं तो ये कहता हूँ कि सबको जूतियां मारनी चाहिए। आप बिलीव करें, टू बी फ्रैंक, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये मुल्क के फायदे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा कोई अपना नहीं उनके साथ, लेकिन इसलिए आप देखें ना, इन्होंने अपने मुल्क में किया क्या, जितनी क्रीम है, जितने पढ़े लिखे बच्चे सारे बाहर जा रहे हैं, माँ बाप की जान खा रहे हैं, पैसे लेके वो कहते हैं। अब यहाँ यहाँ कुछ होता, इन्होंने जिम नहीं बनाई कोई ऐसी अच्छी जहाँ पे बच्चे जाके जिम करें, एक्सरसाइज करें। अच्छा, ये यहाँ हमने 76 साल कश्मीर सुना है, मतलब आपने भी सुना होगा कि हम स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हर जगह पे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आप वहाँ पे ये जाते हैं, वहाँ पे जाके ये कश्मीर करते हैं या वहाँ पे कश्मीर जाके? बोलते कभी नहीं, इन्हें कभी पूछे नहीं कश्मीर है कहाँ, कहाँ नहीं है, या यहाँ पे आगे वो देखे, मतलब हमें पागल बना रहे हैं, चक्कर देने वाली बात है ना कि हम आपके लिए आपके एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है, दे डन नथिंग, बिलीव आप करें, मैं आप कहता हूँ हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया आज तक, अगर करते ना, मैं बिलीव करें ये मुल्क पाकिस्तान का कुछ और।
इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा इंडिया वहाँ अगर दुनिया के कंट्रीज में अगर उनकी रिस्पेक्ट हो रही है, वो आगे जा रहे हैं, उनके उनके मेडिसिन पूरी दुनिया में सेल हो रही है, उनकी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में सेल हो रहे हैं, इवन अब पोलैंड ने बोला कि हमें 25,000 डॉक्टर इंडियन चाहिए, क्या वजह है? आप वहाँ पे क्या नोट करते हैं, वो इंडियंस में क्या ऐसी चीज है? देखिए बात यह है कि इंडियन जो है ना वो कहते हैं कि जो बात हमने की है ना आपसे वो उसी बात के ऊपर आप बोलेंगे पूरा उतरेंगे, ये नहीं कहेंगे कि आपको सैंपल आज दे दिया ये तो कल को माल दे दिया। और उनमें ये सिर्फ कि वो बिल्कुल अपनी बात के ट्रू सच्चे हैं, यानी कि उन्होंने कहा बात किया मुल्क से माल मंगवाना है, सही बात है, जॉब पे बोलेगा सुबह मैं आऊंगा तो जॉब पे आएगा सुबह, तो हम पाकिस्तानी हैं। मतलब भारत के लोग ईमानदार हैं, असल ईमान भारतीयों के पास है और पाकिस्तानी झूठे ईमान का दावा करते हैं, और ये कई वीडियोज में ऐसा साबित हो चुका है। कल ही परसों मैंने एक वीडियो की तो पाकिस्तानी बोल रहे थे कि हिंदू होगा दुकानदार तो कभी बेईमानी नहीं करेगा, लेकिन मुसलमान दुकानदार होगा वो बेईमानी करेगा। और ये भारत के लोग नहीं बोलते भाई, पाकिस्तानी बोल रहे हैं, ये भी पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है, हम मुसलमान है, हमें भी सच बोलना, तो हमें तो ज्यादा सच बोलना चाहिए। नबी पाक ने यही कहा ना, उन्हें जाने का दुनिया से जाते वक्त ये कहा था मेरी उम्मत में ना कोई झूठ बोलेगा ना फ्रॉड करेगा। तो फिर हम मतलब देखें अगर उन्होंने ये बोला था तो अभी तो आप बताएं हम झूठ नहीं बोल रहे, दो नंबरी नहीं कर रहे, ओवरऑल सब मेरे हर बंदे के जेहन में ये है कि दो नंबरी के बगैर गुजारा नहीं, ठीक है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे, ठीक है ना, मसला ये है। तो ये जब नियत हमारी साफ नहीं है, जब नियत नहीं है इतना माले मालो भी नहीं जाते, जैसे नियत वैसे तो नियत वो खराब है, इसी वजह से वो सारे काम खराब। हमें क्यों नहीं बताइए, पाकिस्तानी कैसी कौम है जो अपने प्रोफेट मोहम्मद की बातों को नहीं मानते, उनकी बातों को नहीं मानते, फ्रॉड करेंगे, सब कुछ करेंगे, सारे गलत काम करेंगे, और उसके बाद कहेंगे कि अरे हम तो मुसलमान हैं और हम तो ये कर देंगे और वो कर देंगे, मुसलमानों से कोई लड़ नहीं सकता और ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। अरे बेशर्म हो, अरे बेगैरत हो, तुम्हारी औकात नहीं है, हम तुम्हें मानते ही नहीं है, जो अपने प्रॉफिट का ना हुआ वो किसका होगा? तुम लोग झूठ बोलते हो, आशिक रसूल और पता नहीं क्या क्या करते हो, झूठ बोलते हो तुम लोग, यहां भी फ्रॉड है तुम लोगों का। ये जो बात हुई है इसका मतलब ये होना कि आप तो अपने प्रॉफिट की बातों को भी नहीं मानते, तब तो आप झूठे हुए ना। हमें क्यों नहीं दुनिया रिस्पेक्ट दे रही? इसी वजह से दे रही है कि हमारी नियत में फितूर है, नियत खराब है, ठीक है। जब हमारी नियत ठीक होगी हमारे काम ठीक होंगे, अब मुश्किल से ही अच्छा आता है, ठीक है, ठीक है, मेहनत से ही अच्छा आता है, ये करने नहीं चाहते कोई भी, ठीक है। जब ये नहीं करना चाहते इसके साथ आवाम भी हमारी वही है, तो आवाम जो है वो हमारी बिल्कुल वो भी इसके इनके हम कहते हैं ना कि सियासतदान या दूसरे हमारे जितने भी ओवरऑल वो जिम्मेदार नहीं, आवाम बिल्कुल साथ है, ये वाम भी डंडे की है, डंडा हो तो वाम चलती है, रूल्स फॉलो करती है, अगर डंडा ना हो तो रूल्स फॉलो नहीं करती। अभी एक इधर वार्डन खड़ा हो तो सारे ब्रेक मारेंगे, ठीक है ना, रुकेंगे, अगर वार्डन ना होगा तो सारे इसको वायलेशन करेंगे। अच्छा नहीं, इधर एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो हमारे इर्द गिर्द के कंट्रीज हैं, चाहे बांग्लादेश हो जाए, चाहे ये इंडिया हो जाए, चाहे पाकिस्तान हो जाए, यहाँ पे मेरे ख्याल से देखने वाले भी, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट करिएगा, मेरे ख्याल से इंडिया में भी ऐसे ही होगा कि वहाँ पे भी अगर वार्डन नहीं खड़ा तो कहीं ना कहीं वायलेशन हो जाती है, लेकिन वो आगे चले गए। वो थोड़ी सी और बात है उसमें, उसमें ये है कोई भी काम है ना उसमें अगर वक्त ना दिया जाए ना किसी को, कोई भी काम है, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये बिल्डिंग है हमारी, ये होटल इन्होंने लिया, अगर हम इनको 4-5 माह बाद निकाल दे तो ये क्या काम करेंगे? हर बंदे को हम 4-5 माह, तो ये मसला ये है कि हर सियासतदान दूसरे की टांग खींचता है, उसको काम नहीं करने देता, चाहे कोई भी पार्टी हो, इसमें हमारा पाकिस्तान में तो मसला ये है कि कोई बंदा आके इधर शुरू करता है कोई मंसूबा तो दूसरा आके उसको रोक, 6 माह बाद पता चलता है उनकी गवर्नमेंटी खत्म हो गई। ऐसे ये प्रॉब्लम है हमारे जितने भी बिजनेसमैन बाहर जाके बिजनेस करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि 40 साल से 35 साल से 30 साल से हम उधर बिजनेस करते हैं, हुकूमतें बदल रही हैं, लेकिन और बिजनेस में टेंशन नहीं, नहीं, वो जो उनकी पहले दिन से डे वन से उनकी पॉलिसी है वही चल रही है। मसला ये है इस यहाँ पे पॉलिसी में तसलसल नहीं है, ठीक है, जो जो बंदा लगाता है जो शुरू करता है दूसरा आके उसको बंद कर देता है, ठीक है, ठीक। अच्छा हमारे अंदर 76 साल में सीखने वाली कोशिश क्यों नहीं पैदा हुई कि यार कुछ सीख ले,
अपने अपने यानी कि इर्द गिर्द से सीख ले। मैं कहता हूँ इंडिया से नहीं सीखना, ना सीखो, हमें ये बताया जाता है दुश्मन दुश्मन दुश्मन, चाइना से सीख लो, आप किसी और कंट्री से सीखो, लेकिन सीखो तो सही। आज ये देखें, आपको क्या लगता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में, या जो उनकी बात मानी जाती है, क्या उतनी पाकिस्तान की मानी जाती है? नहीं, वो इसीलिए नहीं मानी जाती। आप देखे ना, हमारा तो यहाँ बच्चा बच्चा झूठ बोल रहा है, क्योंकि हमने उनको ट्रेनिंग नहीं दी, बच्चों का कसूर नहीं है। अब ये देखे, ये लीडर जो जाते हैं पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, सारे इनसे पूछे, जब आप बाहर गए बच्चा झूठ बोलते हैं, किसी बच्चे से आप स्कूल के बच्चे से पूछे झूठ नहीं बोला, किसी बिलीव करें, अंडर किसी ने मर्डर भी किया ना तो बोलेगा बिल्कुल। वकील उसको बोलेगा कि आई विल टेक यू आउट, कि मैं तुम्हें कर लिया हूँ, वरी ना करो, लेकिन तुमने सच बताना जज को। और अगर जज ऐसे उसे पता ना, जज को वकील ने पढ़ाया तो वकील का लाइसेंस कैंसिल है, नो मोर वकालत। अच्छा, यानी और इधर हमारे भी रिसेंटली एक केस ये हुआ है कराची में, शायद आपने सुना होगा, एक एक्सीडेंट हुआ है, एक खातून, एक लेडी ने वो अपना लैंड क्रूजर जो उनसे 5 लोगों को हिट किया, जिसमें से 2 लोगों की जाने चली गई, और वो सिर्फ 84 लाख दिया है उन्होंने, और वो उनकी जो उनसे वो आजादी हो गई। बार देखें, एक एक्सीडेंट हो ना, तो हमारे लीडरों को पता होगा, अगर उनके पास थोड़ी सेंस होते हैं, पता होना चाहिए, बार वो देखते हैं कि ये एक्सीडेंट हुआ क्यों, और वो कहते हैं इन फ्यूचर ये एक्सीडेंट सेम एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो ये नहीं कि वो बोलेंगे 6 महीने के बाद सुनेंगे, वो 2-3 दिन के अंदर देखे वो उसको चेंज ही कर देंगे, इस वजह से जिस कास से ये हुआ एक्सीडेंट, ताकि ये दोबारा ना हो। ठीक है सर, लास्ट में मुझे बताएं, 40 साल आप बाहर रहे हैं, क्या समझते हैं कि वहाँ पे इंडियंस जो लोग वर्क कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी वर्क कर रहे हैं, दोनों के काम करने में क्या फर्क है, इसके अलावा दोनों की एजुकेशन में क्या फर्क है, इसके अलावा दोनों के पासपोर्ट, आप हमारे पासपोर्ट की क्या वैल्यू है और उनके पासपोर्ट की क्या वैल्यू? देखिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट की तो वैल्यू कोई नहीं, इंडिया के भी पासपोर्ट की वो वैल्यू नहीं। अच्छा? जो अगर अगर आप वैल्यू गिने थे, लेकिन बेटर देन पाकिस्तान आप कह सकते हैं, बेटर देन पाकिस्तान, लेकिन उसकी वजह कि हमारा पासपोर्ट की वैल्यू इसलिए नहीं ना कि हमारी गवर्नमेंट ने वैल्यू करवाई नहीं उसकी। अब देखे ना, ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, घर का जो सरबराह होता है ना जी, आप वो घर को चलाता है, ये इसमें घर का भी तक ही करेगा। अगर मुल्क का सरबराह मुल्क करते कुछ एफर्ट नहीं करता तो मुल्क कैसे चलेगा? आप इस पे, अगर भारत के पासपोर्ट की वैल्यू नहीं है सर, तो बस आप इतना देख लें कि भारत के पासपोर्ट पर आप कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री है, और पाकिस्तान के पासपोर्ट पर कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री है या ऑन अराइवल वीजा है, इससे आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ हैं। ये बात सही है कि हम दुनिया के नंबर वन पासपोर्ट नहीं है, लेकिन हम कोशिश तो कर रहे हैं। आप तो कोशिश भी नहीं कर रहे, आप पिछले कई सालों से दुनिया के चौथे सबसे खराब पासपोर्ट होल्डर हैं। पिछले कई सालों से आपका पासपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट बना हुआ है, रिकॉर्ड बना दिया उसने। भारत तो अपनी रैंकिंग में सुधार भी कर रहा है, इस बार भी जो रैंकिंग है उसमें भी 1-2 पॉइंट का सुधार किया है हमने, तो भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग सुधर रही है। क्यों सुधर रही है? क्योंकि हम उसके लिए काम कर रहे हैं, आपकी तो सुधर ही नहीं रही। सर, आप इस पे क्या कहेंगे कि हमारे पासपोर्ट की वैल्यू क्यों नहीं है? नहीं, पासपोर्ट की वैल्यू इसलिए नहीं है कि यहाँ पे असल जो मैंने कहा ना कि गवर्नमेंट के साथ अवाम का भी रोल है, तो मसला ये है कि वहाँ का जो बच्चा है ना, वो ग्रेजुएशन करके आता है तो कहता है ठीक है मैं सफाई पे भी लग जाऊँ, कोई मसला नहीं। अच्छा। एक दम को मसला नहीं, तो हमारा हमारा इधर जो पढ़ा नहीं होता तो डिग्री जाली लेके कहता है मैंने तो कमिश्नर लगना, ठीक है चाहे बाहर हो जाए, इधर हो, काम मैंने करना नहीं, ठीक है। और इस वजह से वो लोग कहां से कहां, वो इधर से बगैर पढ़े लिखे लोग जज डिग्रियां लेके नवाबजादे बन जाते हैं, ठीक हो गया, वो पढ़ लिखे मेहनत करते हैं, मेहनत ही काम आता है। और इधर इस टाइम सिचुएशन ये है कि ये कप की कीमत, ये मतलब समझ लें 70 ऑलमोस्ट 70 रुपए का होगा, कहीं पे 100 का भी मिल रहा है, कहीं पे 150 का मिल रहा है, एक चाय का कप की ये कीमत है, और ये महंगाई बढ़ गई है। महंगाई में एक बात सुनो, महंगाई की बात नहीं, यहाँ पे इतने इतने इंटेलिजेंट्स और इतने इतने बच्चे हमारे अच्छे हैं, स्टूडेंट हैं, सब कुछ हो सकता है पाकिस्तान में, सब कुछ है, लेकिन ये होने नहीं, होने इसलिए नहीं देते कि देखिए ये गाड़ी की ड्राइविंग में जो बंदा बैठा होता है ना, तो सवारियां उसके रहमो करम पे होती है, ठीक है, तो जो मुल्क चला रहा है ना, हम सब उसके रहमो करम पे, जो उसने करना है, ठीक है ना, तो बिल है ए ए ए ए 200 से कम है तो 4,000 है, अगर दो यूनिट और हो जाए तो 10,000। इसमें भी आप लोगों को चूरन दिया गया, इसमें भी आप लोग फ्रॉड करते हैं, पता है किसमें? ये जो आपने कहा कि टैलेंट बहुत है, ये है वो है, आपकी यूनिवर्सिटीज में फ्रॉड हो रहा है, आपकी फ्रॉड यूनिवर्सिटीज आ रही हैं खुलेआम। अरे मैं नहीं कहता, आपके यहां के बहुत बड़े साइंसदान हैं, डॉक्टर परवेज हुदबॉय अभी वो आए थे, अभी उन्होंने बताया कैसे फ्रॉड किया जा रहा है, लूटने का नया धंधा यूनिवर्सिटी के नाम पर और लोगों को चमकाया जा रहा है। सुनिए, साबित कर दिया कि हमारी यूनिवर्सिटियां गल सड़ के खत्म हो गई हैं,
शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, शर्म आनी चाहिए कि ऐसे फ्रॉड को इन्होंने जगह जगह बुलाया। तुम लोग जाहिल हो कि तुम्हें यह फ्रॉड नहीं पता चला, खुल्लम खुल्ला फ्रॉड। बेस्ट क्वांटम साइंटिस्ट सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। अच्छा ये देखिए, कैटेगरी क्वांटम कंप्यूटिंग एंड एजुकेशन, ऐसा तो कोई किसी ने सुना ही नहीं। केपीके गवर्नमेंट को शर्म से डूब मरना चाहिए। ये कैसे लोग हैं, तुम लोग झूठ पर झूठ पर झूठ बोले जा रहे हो, उधर चीफ मिनिस्टर ऐसे मुस्कुरा रहा है, उसके जो आसपास हवारी हैं वो कैसे बाछें खोलकर हंस रहे हैं। शर्म करो तीनों चारों। फी स्ट्रक्चर बता दिया, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम, क्वांटम व्हाट इज दैट, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम। और आगे हाय लुक एट दिस। अच्छा देखिए, जब आपको क्रेडिबिलिटी अपनी बनानी होती है ना, तो आपको दिखाना होता है कि गोरे हमारे साथ हैं। और क्या प्यारी गोरी शक्ल इसकी, अरे देखकर तो हर एक जो है वो ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहेगा। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, पीछे जो लोग हैं वो शायद ना पढ़ सकें। इन ए रिमार्केबल कन्वर्जेंस ऑफ ग्लोबल साइंटिफिक माइंड्स, डॉक्टर सैंड्रा जूलियन, द डिस्टिंग्विश्ड हेड ऑफ क्वांटम, द डिस्टिंग्विश्ड हेड ऑफ क्वांटम, कैन यू इमेजिन दैट, डिस्टिंग्विश्ड हेड ऑफ क्वांटम, at the center of excellence for technology quantum and AI in Pakistan, graced the quantum summit 23 held in the United States, her presence and insights wagara. Acha to ab aapke paas jin ke paas smartphone hai, aap jaakar is address, is URL par click kare, to this will take you to stock photos. तो कहीं से ये फोटो उठाकर उसने ये नीचे लिख दिया कि ये हमारी फैकल्टी मेंबर है, एंड वेल व्हाट कुड मेक दिस मोर क्रेडिबल। हाँ आखिर गोरे जब आ जाते हैं तो फिर तो ये चीज तो सही होगी होगी। तो अब बात आप बताइए कि जो लोग इस गोरी को देखकर जो जाके यहां पर एडमिशन करा लेंगे, लाखों रुपए दे देंगे, पढ़ाई पढ़ने जा रहे हैं, बताइए किस कदर झूठ बोला जा रहा है, जिसका क्वांटम कंप्यूटिंग से, क्वांटम मैकेनिक्स से कोई नाता नहीं है, उसको बताया जा रहा है कि फलाना अवार्ड। अबे गजब धोखेबाज लोग हैं यार, गजब फ्रॉड लोग हैं पाकिस्तान में बे। और यह चल रहा है, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ के क्या निकलेगा भाई, गोबर निकलेगा, गोबर। लेकिन पाकिस्तानियों ने मानना नहीं, क्यों, हमारे पास टैलेंट बहुत है, पानी का कार चलाने वाला भी टैलेंट था, घंटा टैलेंट था, लोगों ने गायब करा दिया, वो पानी पर उसने कार चला दी थी। अबे वो काम जमाने पहले से हो रहा है और वो सही तरीका नहीं है, उससे कामयाब नहीं हो सकते आप, पानी पर कार चलाते। अच्छा, एक ये डायलॉग बड़ा मशहूर है पूरी दुनिया में, शायद ये मशहूर है जी, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, वो टैलेंट हमें नजर क्यों नहीं आ रहा। देखिए टैलेंट तो नजर इसी नहीं आ रहा, सारा टैलेंट तो बाहर चला गया मोस्टली। आप देखिए ना, जितने बच्चे लाइक है सारे बाहर जा रहे हैं, माँ बाप जान खाई, उन्हें उतार दिया, कर्जा दिया, मकान बेचा, बट डिड समथिंग। पाकिस्तान में क्यों नहीं रहना चाहते, पाकिस्तान में जॉब है नहीं, किसी के पास काम है कोई नहीं, फुल जान पड़ी हुई है, जिसको मर्जी पुलिस पकड़ अंदर कर देती, जिसको मर्जी बाहर कर दे। आप ये भी तो देखे ना, ये भी तो लाइफ है तुम्हें, कम से कम अगर देखो ना, फिर बंदे को लेके जाते हैं, उसके पेरेंट्स को तो बताए ना, चाहिए इनको घर जाके बता के आए कि आपका बंदा हमारे पास है, और उसने ये मिस्टेक की है और उसे इतनी सजा मिली। लेकिन ये तो नहीं, बाहर किसी बंदे को फिक्र कोई, बाहर आप देखें यार, ये मुझे अब नहीं, आप लोगों की बिल्कुल, आप लोगों को समझ में बात नहीं आती। टैलेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने अच्छे से पढ़ लिया है और आप एक अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, इसका टैलेंट से कोई मतलब नहीं है। टैलेंट वहां दिखता है जब आप पढ़ने लिखने के बाद आप कोई नया आइडिया लेकर आते हैं। क्या किसी पाकिस्तानी ने कोई आइडिया पेश किया है जिससे बहुत बड़ी कोई चीज हुई हो?
कोई ऐसी कंपनी खोल ली हो जो बहुत बड़ी कंपनी बन गई हो, आइडिया की बात है ना। क्या किसी ने कोई ऐसी चीज इनोवेट की हो जिसके दम पर कोई बहुत बहुत जबरदस्त काम कर लिया हो? असल टैलेंट भारत के लड़कों में देखो, भारत के बच्चियों में देखो, और इस टैलेंट का नतीजा अभी लेटेस्ट खबर है, पिछले महीने एक हफ्ते में $400 मिलियन स्क्रीनशॉट लगा दिया है, $400 मिलियन स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग हो गई है। स्टार्टअप्स का मतलब यह होता है पाकिस्तानियों, जहां पे आपने कोई आइडिया लगाया, एक बिजनेस का आइडिया लगाया, एक बड़ी कंपनी का आइडिया लगाया, दुकान नहीं खोलनी है परचून की दुकान, वो स्टार्टअप नहीं है। मोटर गैराज खोलना स्टार्टअप नहीं है, स्टार्टअप है आइडिया, नया आइडिया, बिजनेस का नया आइडिया, इनोवेशन। $400 मिलियन की फंडिंग ली एक हफ्ते के भीतर, यह होता है टैलेंट, और हमारे लड़कों ने किया है, बच्चों ने किया है। और इसका यह नतीजा, इसका बड़ा स्वरूप मैं दिखाता हूं, आज भारत में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, इसकी भी लिस्ट लगा दी है, जाके देख लो, 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज। अब तो शायद नंबर बढ़ गए होंगे, थोड़ा डेटा पुराना है। दुनिया में नंबर 3 पर है भारत स्टार्टअप्स के मामले में, यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के मामले में, यूनिकॉर्न कंपनीज के मामले में। विदेशी अखबार लिखते हैं, उसका भी स्क्रीनशॉट लगाता हूं, कि भारत में मिंट हो रहे हैं यूनिकॉर्न्स। जैसे मिंट का मतलब होता है, जैसे टकसाल में सिक्के छपते हैं ना, नोट छपते हैं, वैसे ही छप रहे हैं यूनिकॉर्न कंपनीज भारत में। ये होता है टैलेंट, उन कंपनीज ने नया आइडिया निकाला है, बिजनेस का नया आइडिया, टेक्नोलॉजी नई लॉन्च की है, टेक्नोलॉजी ढूंढा है, और उसके बाद उस पर काम कर रहे हैं, जिससे ये यूनिकॉर्न कंपनीज बन गए। असल टैलेंट ये है। आप बताओ पाकिस्तान में एक यूनिकॉर्न कंपनी का नाम बता दो यार, एक, मान जाओ मैं, और कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट है। झूठ बोलते हैं आप लोग, टैलेंट है, यूनिवर्सिटी से जाके पढ़ के डिग्री लेना टैलेंट नहीं होता। यार आप देखें, एक बंदा सर्वे के ऊपर सोया हो ना, आप बिलीव करें कि उसको पुलिस वाले लेके जाएंगे, घर देंगे, घर चाबी देंगे, उसको खाने के लिए सामान देंगे, सारी चीजें करके देंगे कि तुम नहीं ज्यादा खाना, ये वो करते हैं। इतना फर्क है। चलें जी, देखें, जब हम बात करते हैं उन लोगों से जिन्हें एक्सपीरियंस होता है, जिनका एक्सपोजर होता है इंटरनेशनल लेवल का, तो हमें पता चलता है कि हमें जो बताया गया ना जी, पाकिस्तान में जज्बा, पाकिस्तान में टैलेंट, वो पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, होगा लेकिन वो पाकिस्तान से बाहर मूव कर चुका है। जबकि दूसरे कंट्रीज की बात करें, वो सबके सामने है। मुझे पता, बाहर मूव करके क्या कर रहे हैं वो? नौकरी कर रहे हैं वो, फलानी कंपनी में, फलानी कंपनी में, फलानी कंपनी में। उन्होंने जाके कोई इनोवेट नहीं किया है कोई चीज, वहां जाकर कोई नया आइडिया लेकर नहीं आए कि बिजनेस खड़ा कर दिया वहां पर। और जी ट्रांसपोर्ट का हमारा बड़ा बिजनेस है, बड़े लोग हमारे पाकिस्तानी, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर हैं। अबे उसमें कोई इनोवेशन नहीं है, 4 ट्रक खरीद लिए और उसको चलाने लगे, दैट इज नॉट इनोवेशन, वो टैलेंट नहीं है। आप कमा रहे होंगे करोड़ों रुपए, लेकिन वो इनोवेशन नहीं है, वो टैलेंट नहीं है। मुझे बताएं, आपको लगता है कि ऐसे ही अगर चलता रहा तो ज्यादा टाइम हम सरवाइव, मतलब ऐसे क्या ये चलता आ जाएगा? कोई देखे देखे मुल्क, हम सब कुछ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये, लेकिन जो हमारे अरबाब इख्तियार है, दुनिया जंग की तरफ जा रही है। आप देखें ना, रशिया यूक्रेन को देख लें, आप फलस्तीन और वो उसे देख लें, इसराइल को देख लें, जो करना भी चाहे ना तो वो दूसरे करने नहीं देते। मसला सिर्फ ये है कि जिस बंदे का काम है ना, अगर वो बंदा वही करे, हर बंदा अपना काम करे, खुद काम करे, ठीक है ना, तो जो पाकिस्तान भी सेट हो सकता है, हमारा मुल्क भी सेट हो सकता है, पूरी दुनिया में। तो यहाँ पे हमारी हुकूमतें, हमारा इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो ये हमारा मुल्क कौन चला रहा है? हमारी अदालतें चला रही हैं, हमारा रेडी वाला से लेके ना प्राइम मिनिस्टर सदर तक के फैसले अदालत करती है। जो अदालत करती है वहाँ पे टाइम स्पेंड होता है, वहाँ पे पैसा खर्च होता है, जो अदालत ने करना है वो अवाम का जो भी रद्दअमल है, जो फैसला अदालत ने देना, तो वो फिर हमारे पूरा लागू हो जाता है, ठीक है, तो ये गलत है। चले आए जी मस्जिद, किसी से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुख्तार सिद्दीकी। और आप? हाफिज जासिम। आप? मोहम्मद मौजम कादरी। अदनान अशरफ। और आप? मोहम्मद उमर सिद्दीकी। ठीक है सर, क्या करते हैं आप? मैं नाथ हुआ हूँ। जबरदस्त, कम अज कम 42 साल से इसी फील्ड में है, ठीक है। पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि जब हमारे पॉलिटिशियन, खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर, अगर लेट्स सपोज हमारे बाहर जाते हैं, वो किसी भी कंट्री में जाएं, उन्हें कैसे वेलकम किया जाता है,
क्या रिस्पेक्ट दी जाती है, और दूसरे कंट्रीज की अगर बात करें? बात यह है कि हमारे जो बड़े हुक्मरान हैं, जब वो अपने मुल्क में कुछ नहीं करते तो उनकी बाहर भी कोई इज्जत नहीं है। सच्ची बात है, ठीक है। और इस मुल्क में अभी तक तो हम बिजली जो है वो भी पूरी नहीं कर सके, ठीक है। लोग नौजवान जो है वो बाहर जा रहे हैं, अगर अपने मुल्क में उन्हें कारोबार मिलता, कोई ऐसा निजाम इवन होता, अपने कंट्री में वो कारोबार बिजनेस लेके आते हैं इंटरनेट के थ्रू, फ्रीलांसिंग के थ्रू, जाए इधर कारोबार मिलता, बाहर से यहाँ पे बिजनेस लेके आते, इनकम लेके आते, ये बाहर से लेके आते हैं, लेकिन यहाँ से वो भाग रहे हैं इसलिए कि यहाँ पे कोई निजाम नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा ये काम नहीं इन्होंने किया अभी तक, इनके पास कोई मुआशी हल मुझे नजर नहीं, प्लान नहीं है, कोई प्लान नहीं, ठीक है। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, मुझे ये बताएं कि क्या वजह 76 साल हो गए हैं हम उस तरीके से आजादी क्यों नहीं, मतलब अपने आप को आजाद क्यों नहीं फील कर रहे, या आपको लगता है हम आजाद हैं? हम अगर कहीं पे जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से कोई फैसले नहीं कर पाते दुनिया में, और जिनसे हम अलग हुए हैं इंडिया की अगर बात करते हैं वो आज जाके दुनिया के फैसले कर रहे हैं। सच्ची बात आपको बताऊं, अब मैंने कई लोगों से ये सुना है कि इससे बेहतर था हम आजाद ही ना होते, मैंने बुजुर्गों से बड़ों से सुना है कि इससे तो उनका निजाम अच्छा था, यार आजाद होके भी हम उसी तरह ही हैं, कुछ नहीं हमने मकसद तो कोई नहीं, मतलब और आज हम इंडियन कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान नाम का एक नया देश बन गया, वरना आज इनका बोझ हमारे ऊपर होता, इनकी बेवकूफियों का, इनके जाहिलपने की खामियाजा हम भारतीयों को भुगतना पड़ता। तो हम तो ये मनाते हैं कि ये पाकिस्तान और उधर बांग्लादेश दोनों अलग हो गए हमारे से, वो दोनों हिस्से अलग हो गए, हमें शुक्र मनाते हैं, धन्यवाद अदा करते हैं, कोई नहीं, कोई मतलब हाल नहीं हुआ। जो हमने बुक्स में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि एक आजाद रियासत बनेगी, ये मुसलमान एक मतलब मुसलमानों की कंट्री, इस्लामिक कंट्री बनेगी अपनी मर्जी से पूरी दुनिया में, टेक्नोलॉजी में, आईटी में, मतलब हर चीज में हम अपना एक नाम बनाएंगे। लेकिन आज भी दुनिया जो डिमांड कर रही है वो इंडिया के डॉक्टर्स की डिमांड कर रही है, इंडिया की मेडिसिन की डिमांड कर रही है, और ये 25,000 डॉक्टर अभी पोलैंड ने डिमांड किया कि भाई हमें इंडियन डॉक्टर चाहिए। वजन क्या वजह है? वो मेहनत करते हैं, वो अपने काम से सिंसियर हैं, ठीक है, वो मेहनत करते हैं, सिंसियर हैं, वो अपने मुल्क से जो के साथ वो बिल्कुल यूनिटी है, यूनिटी, ठीक है, हमारी यूनिटी नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने सर बात की है कि बड़े लोगों से सुना है कि भाई हम इससे अच्छा अलग ही ना होते या आजाद ही ना होते, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मैं इसी बात से इत्तेफाक करूंगा, क्योंकि मेरे उस्ताद मोहतरम भी हैं, ठीक है, तो हम इनकी बात पे अमल करते हैं, तो यही हमने भी अक्सरियत लोगों से यही सुना है कि हम इससे बेहतर हम आजाद ही ना होते। और उसकी वजह क्या है, मतलब क्या वजह है कि आप तो पहले हम ये कह देते थे गोरा जो है ना हम पे हुकूमत करता है, हर चीज उसकी मर्जी की है, फिर हमने ये कहा ये हिंदू जो उनसे हैं ये अंग्रेजों के साथ मिलके हमारे हमें पीछे कर रहे हैं, अब ना तो हिंदू यहाँ पे ना ही गोरा यहाँ पे, फिर भी हम यहाँ पे आपस में लड़ रहे हैं। भाईजान, जिस मुल्क में अभी तक ये खबर नहीं आई कि एक सुई भी हमने बनाई है, कोई प्रोडक्ट हम देखते हैं, कोई बोतल देखते हैं, कोई मशरूब देखते हैं, तो वो कहते हैं ये उसने बनाया, इसने बनाया, इसने बनाया, इन्होंने क्या बनाया मुझे ये बताओ। और इंडिया फिर चांद पे वो चांद पे पहुंच रहा है, हम जमीन के नीचे जा रहे हैं, जमीन के अंदर दस्ते जा रहे हैं, ठीक है। आप इस सूरतेहाल में क्या थोड़ी सी चेहरा अगर साथ कर लें, क्या कहना चाहेंगे? हमारे इधर से जो अगर लोग जाते हैं बाहर के कंट्री में जाके मजदूरी, मोस्टली मजदूरी, कोई ड्राइविंग या इस तरीके से, लेकिन जिनसे हम अलग हुए पॉइंट ये है वो उनको वहाँ पे ऐसे डॉक्टर कोई बुला रहा है कि भाई हमें इंडियन डॉक्टर चाहिए, कोई कह रहा है हमें इंडियन इंजीनियर चाहिए, वो एजुकेट कैसे हो गए या उनकी दुनिया में रिस्पेक्ट कैसे हो गई, उनकी डिमांड कैसे हो? देखिए, मसला ये है कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है, इसमें कोई ऐसी शक वाली बात नहीं है कि जो पाकिस्तान इंडिया में टैलेंट है वो बाहर के ममालिक में नहीं है, ठीक है। भाई वीडियो खत्म करता हूँ यार, यहीं पे खत्म करता हूँ। यस, पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा है। टैलेंट बताऊं मैं आपको, लाहौर में बैठकर एक बंदा फेक न्यूज फैलाता है लंदन में, और उस फेक न्यूज पर लंदन में दंगा होने लगता है, ब्रिटेन में दंगा हो जाता है, यह है आपका टैलेंट। ग्रीस में बैठकर पाकिस्तानी गैंग इंडियंस को किडनैप करता है, उनसे फिरौती मांगता है, फिर उनकी गिरफ्तारी होता है, यह है आपका टैलेंट। ग्रीस में बैठकर आपके पाकिस्तानी टेरर प्लॉटिंग करते हैं, आतंकी हमला करने की कोशिश करते हैं, गिरफ्तार किए जाते हैं, यह है आपका टैलेंट। टर्की में किडनैपिंग गैंग आपका काम करता है, वहां पर लोगों को उठाया जाता है, नेपाली टूरिस्ट आए थे उनको उठा लिया, यह है आपका टैलेंट। ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग चलाए जाते हैं, वहां पर 99.99% पाकिस्तानी होते हैं, यह है आपका टैलेंट।
तो टेरर फैलाओ आप, क्राइम करो आप। यूएई में 50% क्रिमिनल्स जो जेल में बंद है वो पाकिस्तानी है, ये है आपका टैलेंट। सऊदी अरेबिया में ड्रग्स का काम करते हैं, 60 से ज्यादा पाकिस्तानियों को सऊदी अरब ने सरेआम लटका दिया, ये है आपका टैलेंट। यस, पाकिस्तानीज आर वेरी मच टैलेंटेड, बट इन अ नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव में नहीं है। तो टैलेंटेड तो हैं आप लोग, लेकिन पूरी बात बताइए। जैसे महाभारत में जब द्रोणाचार्य को मारना था ना, गुरु द्रोणाचार्य को मारना था, तो युधिष्ठिर से सच कहलवाया गया, लेकिन सिर्फ आधा सच बताया गया। आधे सच को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि शंख बजाना चालू कर दो, वो आधा सच दब गया, और वो सिर्फ आधा सच सुनकर गुरु द्रोणाचार्य जो थे वो समझ गए कि यार मेरा बेटा तो अश्वत्थामा मर गया, और फिर उनको मार दिया गया। तो ये बात सच थी कि युधिष्ठिर ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, ये बात सच है, लेकिन उसके आगे की लाइन दब गई, नरोवा कुंजरो, मतलब वो इंसान है या हाथी है या जानवर है वो अलग, वो हाथी मरा था अश्वत्थामा नाम का। और गुरु द्रोण जो थे वो इससे वही आधा सच सुनकर वो सब उन्होंने हथियार उतार डाले, बाब नहीं लड़ना, हो गया मेरा बेटा ही नहीं रहा तब क्या। तो आप लोग भी पूरा सच नहीं बताते हैं, टैलेंटेड हैं लेकिन टैलेंट इन सारी बातों में, लड़कियों को छेड़ने में। गेट आउट पाकिस्तानी चला ना टर्की में, कई जगहों से चल रहा है, ब्रिटेन में भी चल रहा है, बच्चियों को फंसाने में। रोज वीडियोज आ रहे हैं पाकिस्तानियों के ब्रिटेन से, 13 साल 12 साल 14 साल की बच्चियों को फंसाते हैं अपनी हवस पूरी करने की। क्रिमिनल गैंग्स चलाते हैं, आतंकवादी कार्रवाइयां करते हैं। अभी वो आपका आसिफ मर्चेंट, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, पकड़ा गया अमेरिका में, कराची का रहने वाला, वहां पर पॉलिटिशियंस को मारने के लिए सुपारियां दे रहा था। ये है टैलेंट आप लोगों का। तो टैलेंटेड तो आप लोग बड़े हैं जनाब, तो टैलेंट की वजह से आप लोगों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये टैलेंट फायदे वाला टैलेंट नहीं है, ये टैलेंट नुकसान कराने वाला टैलेंट है। दोस्तों आप बताएं वीडियो कैसा लगा, जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। टैलेंट कहां है टैलेंट, ये टैलेंट है? तुर्की में गैंग किडनैपिंग गैंग, ग्रीस में किडनैपिंग गैंग, यूएई में 50% हमारी लोग क्रिमिनल, सऊदीया में हमारे लोग लटकाए जा रहे हैं, गेट आउट तुर्की मारा हो रहा है, गेट आउट ग्रीस हो रहा है, और सबसे बड़ा रिसेंटली टैलेंट के पाकिस्तान के लाहौर के अंदर बैठ के यूके में दंगे करवा रहे हैं फेक न्यूज फैलाकर। आई थिंक चैलेंज थ्री नाउ है, इस तरह किसान का नाम है, और उसका नाम अरफान आसफ है आई थिंक, जिसने ये कांड किया है। ये टैलेंट दिखाया, कांड नहीं, मैं इसको बोलिए, जो टैलेंट दिखाया अरफान आसफ ने पाकिस्तान के लाहौर में बैठकर यूके के अंदर दंगे करवा दिए। पाकिस्तान बॉक्सर का क्या नाम है जो अभी रिसेंटली अमेरिका से खेल रहा है? आमिर खान। नेजाबाजी में जो फर्स्ट आया उसका नाम क्या है? अर्शन। ये कौन लोग है? ये टैलेंट है। नहीं, ये कौन है? पहली बात तो आमिर खान पाकिस्तान में नहीं है। आपकी छोड़, जब बॉक्सिंग में गया तब वो शुरू में पसंद था, उसने पाकिस्तान छोड़कर यूएस की तरफ से खेलना शुरू कर दिया, और वो यूएस का रेजिडेंट है, वो पाकिस्तानी अब नहीं है। अपनी बात को कंप्लीट कर, मुझे ये बता कि वो पैदा कहाँ पर हुए, पाकिस्तान में पले पड़े हैं या अमेरिका में हुआ था? पाकिस्तान में। जो पहली बदमाश ने टाइटल जीता था बॉक्सिंग का, वर्ल्ड चैंपियन का, वो किसकी? पाकिस्तान की हिस्ट्री में चलो शुक्र है कोई तो गोल्ड मेडल लेकर आया इतने सालों में। मतलब कि ये बात है कि आप कह रहे टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं, आप बुराई गिनाते जा रहे हैं। जो 25 करोड़ लोगों में से एक बंदा गोल्ड मेडल ले आया 40 सालों बाद, इतनी खराब गवर्नमेंट होने के बावजूद अपने दम पर, समझ नहीं आ रही। 25 करोड़ लोगों में से 40 सालों बाद एक गोल्ड मेडल ले आया, तो मुझे ये बता कि इतनी खराब होने के बाद अपने दम पर वो बंदा गया। अच्छी बात है। हाँ, इतना ही किया, यही परसेंटेज निकाल लो, 25 करोड़ में से एक बंदा टैलेंटेड है।
चलो ये प्रेसिडेंट निकाल लो। अच्छा और को दिखाओ। अभी तुम्हारे इधर से अपने गांव से जो तुम्हारे मामे का लड़का है वो दुबई गया है, उसका नाम है इकबाल है, उसका नाम है। वो क्या करता है? कोई कंपनी खड़ी की है। मुझे इकबाल बता वो क्या था। लोग सब ये पूछ रहे थे ना क्या किया वो, क्या था? स्टडी किया, जॉब कर रहा। कहाँ से पढ़ा है? कादिया यूनिवर्सिटी पाकिस्तान से। पाकिस्तान की सबसे मतलब कह लो कि नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी है वो? नहीं, टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप 10 में पूछा। अच्छा, बाहर जाकर उसने कौन सी मजदूरी की है? नौकरी की है। किसकी? गोरों की। क्या किया सर? को पढ़ाया। पढ़ाया या कोई उनकी फर्म में काम करता है? मतलब कि पढ़ाया ही है ना, ये ऐसे ही कह रहा हूँ कि नौकरी की पढ़ाया हो। नौकरी की, हाँ। पढ़ाना ये एक नौकरी अलग है, उनके जाकर कुत्तों को नहलाना या जानवरों को नहलाना या उनकी घर की खिदमत करना, नौकरी होता है ना, किसी सूरत में नहीं। इंडिया कितने फीसद साइंटिस्ट हैं जो अमेरिका में काम कर रहे हैं? मुझे एक बात बता, डॉक्टर आप क्या नाम वो कहाँ से थे? किधर है? अभी रिसेंटली तो मुझे नहीं पता वो कहाँ से थे। आप सदीकी आर फकरीन आप देखते हैं पाकिस्तान से थी? हाँ, पाकिस्तान। क्या जुर्म था उसका? ये तो मुझे नहीं पता उसका क्या जुर्म था। अभी रिसेंटली वो कहाँ है? मार गई है। किसने मारा है? पता नहीं, मैंने देखने किसने मारा। यहाँ की हुकूमत इतनी नकम्मी है कि यहाँ उसने सॉफ्टवेयर बनाया था मेरे भाई, इस चीज़ का आपको पता है? कौन सा? और अभी रिसेंटली इतनी रिसर्च तो मेरी नहीं है, यहाँ से उसे उठा कर मेरे भाई बाहर ले गए और एक एक चीज़ पर फोर्स करते रहे। बाहर नहीं ले गए, बिल गेट आया था उसको मिलना है, ये भी तुम्हें पता चल रहा है। मुझे पता है उसको ये फोर्स किया गया कि आप हमारे लिए काम करें। उसने कहा कि अगर अल्लाह ने मुझे अकल दिया है, इल्म दिया है, तो मैं उस पाकिस्तान के लिए काम करूँगा। तो रिसेंटली पाकिस्तान के इदारों ने उसे उठा कर बाहर दे दिया और वहीं पर वो मर गए मेरे भाई। वो पाकिस्तान में मर गया। ये तुम्हारी भूल है पाकिस्तान, ये तुम्हारी भूल है। तुम्हें फिर पता ही नहीं है कि कितनी बातों पर इन लोगों ने नलायक हुकूमतों ने पर्दे डाले हुए हैं। कितने रिसेंटली यहाँ से जो लड़की है वहाँ यहाँ से उठा कर बाहर अमेरिका को दे रही है। गोल्ड मेडल की बात है, इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है। तुमने कहा कि यहाँ पर टैलेंट ही नहीं है। 40 सालों में एक गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने जीत लिया, इन 40 सालों में इंडिया को गिन लो। हॉकी में कितने इवेंट है जो पाकिस्तान के पास है? ये टैलेंट है तो और क्या है? टैलेंट इसको कहते हैं, स्पोर्ट्स का टैलेंट है और क्या है? ये टैलेंट मतलब ये टैलेंट होता है तो और क्या होता है? अल्लाह के बंदे टैलेंट मतलब नई इनोवेशन करने वाले। कितने नई इनोवेशन करने वाले? और टैलेंट का फिर नई फिर क्या? एक मिनट मुझे बात, मेरी बात सुन। प्लेयर है। क्या 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 उसमें टैलेंट है? प्लेयर है। क्या करता क्या है? भैंसे नहलाता है। तबेले में भैंसे नहलाता है ना, क्रिकेट खेलता है। तो उसमें फिर उसमें भी टैलेंट नाम की चीज होनी चाहिए, क्योंकि उसमें उसने कोई नई चीज नहीं बनाई ना, उसने ना किया कुछ, क्रिकेट ही खेले जा रहा है। यार लोग सर क्रिकेट टैलेंट का मतलब था इनोवेशन करने वाले। ओ मेरे भाई, तुम्हारी जो सोच है वो सिर्फ खेलों पर मरकूज है। तुम्हारी सोच सिर्फ एक गोल्ड मेडल, खुदा ने तुम पर वो खास क्रम कर दिया, वो एक ले आया गधा, मैं गधे कहूँगा, वो एक ले ही आया है, उस पर तुम इतने उछल रहे हो। ये तो ऐसे थोड़ी में ज्यादा पड़ गया तो अब फट रहे हो। मैं ना कभी कभी वीडियो में ओवर हो जाऊंगा और तुम पछताओगे कि मैंने इस आदमी को गलत कह दिया। मैं हजार हजार गाली निकालूंगा इंडियन को और मैं बताऊंगा कि किस वजह से निकाल रहा हूं और मैं सारी वो बातें भी साबित करवा के दिखाऊंगा। लेकिन इसके लिए तुम्हारे चैनल की औकात होनी चाहिए कि वो इंडिया तक ये वीडियो जाए। मैं सिर्फ बैठता हूँ कि यहाँ पर कोई दो नंबर बात ना करूँ, किसी को बुरा बनाए। कभी आज तक मेरा शौक है डिबेट करने का, इसलिए मैं जनरल डिबेट करता हूँ। मैंने आज तक कभी बीप नहीं लगाया और ना ही मैं कभी डरता हूँ बीप लगाऊंगा। मैंने जो बातें होती मैं जनरल भेजता हूँ, मैं कभी आज तक तो मुझे असल में हकीकत में इंडियन की औकात का पता है, जो रिसेंटली उनकी आवाम है ना, मुझे उनसे लेकर पीएम तक उनकी औकात का पता है। दुनिया में एक नंबर के गंदे जाहिल पढ़े लिखे बेवकूफ, बक तहजीब और मजहब के नाम पर तो ऐसे जैसे कि कीचड़ में कंकर डालने वाली बात। इतने गंदे तो पूरे दुनिया में नहीं मिलेंगे जितने इंडियन मिलते हैं।
तुम यहां पर कोई भी किसी भी मजहब की बात कर दो, क्रिटिसिज्म तो होता ही है। बात टैलेंट की आई है, मजहब टैलेंट की बात भी आएगी, सबसे पहले बात आएगी उनकी आवाम की। मैं टैलेंट पर बात हो रही थी, टैलेंट पर ही है इस अलोक की बात कर लो। हमने कभी इंडिया के मजहब की बात की है कि वो अच्छा है या बुरा है? कभी की है बात? इसकी हर वीडियो में कहीं ना कहीं तो आपको मजहब का इंटरफेरेंस मिल जाएगा। इस वीडियो में कोई ना मजहब की बात नहीं की। मैं कह रहा हूँ कि रिसेंटली 10 में से 8 वीडियो में इसका मजहब का रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक इसे मिल जाएगा। जब हम नहीं इनके क्रिटिसिज्म करते हैं इनके मजहब पर, हालांकि इनका हुक्म भी है, तो इन लोगों को क्या पड़ेगा? बात टैलेंट की है। टैलेंट कुछ भी नहीं होता। आपकी हुकूमत आपको सपोर्ट करेगी तो नीचे से नए लोग तैयार होंगे। आपके मुल्क में इलम होगा मेरे भाई तो नई चीजें बाहर आएंगी। अर्शदीन कितना सपोर्ट किया गवर्नमेंट ने? वो तो मैं कहता हूँ ये सिर्फ एक टैलेंट था, 25 करोड़ में से एक टैलेंट था। ये एक टैलेंट अरफा करीम को कितनों ने सपोर्ट किया था? ये टैलेंट था एक जो पाकिस्तान का खुद ही निकल कर आया। टैलेंट होगा तो वो जगह खुद बनाएगा। बेशुमार लड़के हैं यहाँ से, पाकिस्तान से। अभी मैंने रिसेंटली हमारे खुद के डॉक्टर हैं, हमारे अपने डॉक्टर हैं होम्योपैथिक, हमारे लगते हैं वो चाचा लगते हैं, उसने मुझे 10 से 12 लड़कों के नाम गिनाए थे जिसमें ये दो चीज़ें शामिल थी। बाकी के हकीकत पूछ रहे मुझे भूल गए। उसने कहा कि हमारी हुकूमत यहाँ पाकिस्तान में टैलेंटेड लड़का पैदा होना मतलब का गुनाह करना, कोई ना कोई चीज़ नहीं। आप बयान बयान बताएंगे, यूट्यूब पर चढ़ाएंगे, आपको उठा लिया जाएगा। टैलेंट की खिचड़ी के पाग दी तो आगे चले करो बकवास में बैठा हो। टैलेंट मुझे टैलेंट दिखा दो, जो टैलेंट था ना वो निकल आया, वो खुद ही अभी तुझे वो सर फाड़ के निकल आता अभी, है अभी ये जेल में रखना, मेरी बात सुन ले, ये जेल में रखना। अभी अभी जो इस चीज पर शुरू हुआ है ना, मुझे इस चीज की तरफ लेकर तू जा रहा है तो मैं तुझे हर वीडियो में नई से नई चीज बताता चलूंगा। टैलेंट हमारा ये है एक और कि पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है पिछले काफी सालों से दुनिया का चौथा बदतरीन। मैं मानता ही नहीं इस चीज को, कुछ पूछो क्यों। अगर इमरान खान साहब की हुकूमत इतनी ही गंदी थी तो आप खुद मुझे बता दें कि जो हमारे बाहर लड़के गए हुए हैं उनके उस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे और आज उनके क्या है? उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पासपोर्ट क्यों नहीं है, बदलना नहीं है, क्यों नहीं बदलना मुझे ये बताओ। रैंकिंग होती है और रैंकिंग पाकिस्तानियों ने लेनी होती है, ये इंटरनेशनल लेवल पर रैंकिंग होती है कि किस लिहाज से किस मुल्क के अंदर पाकिस्तान एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, कहाँ आप एक्सेप्ट किए जा रहे हैं बताओ मुझे। एक बात का जवाब दो, ये चलो इस क्यों नहीं एक्सेप्ट अगर नहीं किए जा रहे जो लाखों मतदार में लोग जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? डंकियाँ क्या कर रहे हैं? उन्हें फिर पकड़ कर जेल में दिया जा रहा है ना। असाइलम उनका जो जब पहुँच जाता है ना कोई उनका मेहमान होता है, वो उनका क्या होता है उसे क्या कहते हैं या असाइलम के लिए असाइलम सीकर होते हैं तो सैलम दे देती कंट्री है, उनके रूल्स हैं और ये उनके रूल्स है, बल्कि जुआना का रूल है ठीक है ना। अच्छा अगर कोई आपके मुल्क में भाग कर आता है तो अगर वो वायलेशन नहीं कर रहा तो आप उनको असाइलम दें, उसके बाद हो सकता है अगर वो वायलेशन में फिर इन्वॉल्व ना हो तो आप 5-7-7-10 साल आप वेट करें, आप उनको ग्रीन कार्ड दे दें या उनका जो कार्ड होता है उनको दे दें कि वो बंदा ठीक है ठीक है। और ये रूल है इंटरनेशनल ठीक है, इसमें पाकिस्तान का टैलेंट नहीं है। मैंने टैलेंट की बात नहीं की थी, मैंने पासपोर्ट की बात की थी। बात ये है तुम पासपोर्ट लेकर जाओ दुनिया के किसी मुल्क का वीज़ा लगवाना है, अगर तो टक करके लग जाए टक चलो जाओ वीज़ा अप्रूव हो गया पाकिस्तान का, एक तरफ लेकर जाओ इंडिया का वीज़ा और एक तरफ लेकर जाओ पाकिस्तान का वीज़ा। मैं इंडिया के वीज़े को भी कोई अच्छा ढेर नहीं कह रहा लेकिन पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी। यहाँ पर आपको बात करता था सिक्योरिटी के साथ साथ मिस्टर लोग ने कहा कि यहाँ पर वो जर्मन की आई थी हाँ चांसलर क्या डिफेंस मिनिस्टर थी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर उसने एज ए सिक्योरिटी उससे इतना कह ही दिया कि हम आपके सामान को चेक करेंगे, उसमें कौन सी गलत बात की उसने? क्या बाहर ममालिक में जितने भी लोग इज्जत देना होती है वो क्या जर्मन की जो मिनिस्टर थी क्या वो बम लेकर जा रही थी पर्स के अंदर? क्या रूल सब के लिए नहीं होते? नहीं हाँ ये बात अच्छी है, रूल सब के जो आपका इंटरनेशनल लेवल पर आपका मेहमान होता है, जो आपका लीगल मेहमान होता है वो जब आपके मुल्क में आता है वो आपका मेहमान होता है, और छोटे मोटे हमारे जैसे कीड़े मकोड़ों के थ्रू मान लेता हूँ चेकिंग हो सकती है। फिर पर्स के अंदर मुझे बताओ कौन सी ऐसी डिवाइस हो सकती है जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए खतरा है? मैंने तुझे एक बात पूछी थी कि क्या नहीं
रोल सबके लिए नहीं होता। नहीं सबके लिए होता नहीं, बात खत्म है कि दुनिया में रोल ही नहीं होते। चलो मैं कहता हूँ कोई रोल नहीं होता दुनिया में सबके लिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस का हिसाब होता है। मैं मानता हूँ उस चीज़ को, चले मैं मानता हूँ, इसकी एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें। अभी तुम्हारे मुँह पर ही तुम्हारी एग्जाम्पल देता हूँ। अगर तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे घर के अंदर इसके अंदर लुत्ता आता है, उसको क्या प्रोटोकॉल देगा? और तुम्हारे घर के अंदर सैयद सलीम शाह आते हैं, क्या प्रोटोकॉल होगा? जवाब दो। मैं हकीकत कहूँगा, अगर मेरे घर में दोनों आते हैं ना, मेरे घर में दोनों आते हैं, तो मैं दोनों को चेक नहीं करूँगा। चेकिंग की बात नहीं, प्रोटोकॉल की बात है। क्या प्रोटोकॉल बात है? जारी बात है, सैयद की जो है ज़्यादा मैं एहतराम करूँगा, और इस चीज़ में मैं मजहब निवाल करूँगा। समझ में आई मेरी बात? यार कहाँ बैठा तुम, और तुम्हारी मिसाल तुम्हारी टके के बंदे, तेरी मिसाल गलत है। या जब दूसरे जब फंस जाता है तब फिर गालियाँ शुरू कर देता है। जब कोई दलील नहीं बचती, इतनी मैंने दलील दे दी इसकी जिंदगी से। मैं कहता हूँ तुम्हारी मिसाल ही बहुत घट गया है। उस जात की किसी के साथ मिसाल बनती है? मैं सिर्फ प्रोटोकॉल की बात की, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा। मैं कंपैरिजन कर ही नहीं रहा, मैं सिर्फ प्रोटोकॉल की चेंजिंग की बात किया कि तुम्हारे घर में दोनों ही इंसान है। मैं कहूंगा कि उस इंसान ने कोई गलती नहीं की, दोनों ही इंसान है, ठीक है। लेकिन अगर उसको तकब्बर या गरूर की वजह से लगा कि मेरी बेइज्जती हो गई है, तो ये उसका मसला है मेरे। तो अगर आप एक अदना सा बंदा होगा, छोटा सा बंदा होगा, छोटे से गांव का छोटा सा एक किसान होगा, प्रोटोकॉल में इतना डिफरेंस रख सकते हो, क्यों फिर नहीं इक्वल करता? मैंने कहा, मेरा आपके लिए सवाल है, मैंने कहा कि मैं इक्वल करूंगा। मैं एग्जाम्पल और इस पर फिट करूंगा, मैं नहीं चाहता, मैं पर्सनल जाऊँ। चले छोड़े इस बात को, ये चीज़ चेंज होती है, प्रोटोकॉल चेंज होता है, कंट्री टू कंट्री चेंज होता है, मैन टू मैन चेंज होता है, ये जेहन में रखना। वो कंट्री टू कंट्री आई थी, ये समझ कि जर्मन की कंट्री पाकिस्तान की कंट्री में आई हुई थी, ये दूसरे लफ्ज में थी। तो मेरे ख्याल में वो उसको चेकिंग जो, और फिर मोटा सा इस्तेमाल हो, पर्स के अंदर क्या मवाद हो सकता है जिससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है? फर्क नहीं होता अदालती निजाम में भी फर्क नहीं होता कि सिर्फ यह सिक्योरिटी पर बात कर रहे हो। मैंने प्रोटोकॉल की बात की, प्रोटोकॉल की मैं बात कर दूंगा, करो एज ए मुस्लिम करूँ या पूरी दुनिया का हिसाब किताब दिखाऊँ? मैं सिर्फ प्रोटोकॉल की बात की, पूरी दुनिया में। चलो मैं एज ए मुस्लिम में क्या देता हूँ, इसमें इस्लाम का कोई तल्लुक नहीं है। मैं जनरली जो हकीकत है दुनिया की वो बताऊंगा, मैं मुस्लिम का सिर्फ नाम ले रहा हूँ। हालांकि पूरी दुनिया में ऐसा ही होना चाहिए, चाहे वजीर आजम आ गया, चाहे एक आम इंसान आ गया, उसके साथ जो है ना मेरे भाई बराबरी का सलूक करना चाहिए था। एक इंसान है जिसका नाम है अली, उसकी एक जरा गुम हो जाती है और अदालत के जो काजी हैं वो उन्हें बुलाते हैं कि आप आए, आपको बुलाया जाता है। तो उसी कटघरे में मेरे भाई वो इंसान खड़ा है जो वक्त का बादशाह है, और उसी कटघरे में उसके सामने खड़ा है मेरे भाई एक गैर मुस्लिम आम इंसान। तो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि आप साबित करें कि आपकी जिरा है, उसमें आप तीन लोगों की गवाही नहीं दे सकते, अपने बेटे की, अपने गुलाम की, या अपने किसी रिश्तेदार अजीज की। तो आपने कहा कि साल पीछे चला गया, ये रूल ऑफ लॉ है मेरे भाई, ये हकीकत है जो बराबर में अदालत में होता है। तो क्या तुम कहते हो उस पुलिस वाले ने रूल ऑफ लॉ किया? बिल्कुल ठीक किया उसने। अच्छा, वेरी गुड, उसने रूल ऑफ लॉ किया। फिर पाकिस्तान के वजीर आजम की बीजेपी चेक होनी चाहिए, पाकिस्तान होनी चाहिए, क्यों नहीं करते? करनी चाहिए, मैं कहता हूँ करनी चाहिए। उसकी क्यों बात की? उसको करनी चाहिए ना, क्यों नहीं करते? मैं कहता हूँ जब मैं ये कहूँ कि ये उसको फिर प्रोटोकॉल क्यों देते हैं? कौन देता प्रोटोकॉल पाकिस्तान के? तो मैं तो कभी ना दूँ। पाकिस्तान की सिक्योरिटी गार्ड क्यों देते हैं प्रोटोकॉल? गलत करते हैं, मैं कह रहा हूँ गलत करते हैं मेरे भाई। चलो जी, खैर बात काफ़ी लेंथी होगी, तो टैलेंट जो था वो मैंने बात अभी बड़ी बातें थी यार, हम बड़े आगे निकल जाए। मिलता है वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।